जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एवन ज्ञान कुंज में। चलिए देखते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कितने समय का होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेशन दोस्त क्या है, ठीक है, क्यों चलाया गया, ठीक है, इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त जो है वो 6-7 फरवरी को चलाया गया, जो कि तुर्की और सीरिया में, को पता होगा कि तुर्की और सीरिया में महाभूकंप आ गया था, महाप्रलयकारी, जिसमें बहुत सारे जो है जन की उसमें क्षति हो गई। ठीक है, यह भूकंप 6 फरवरी 2023 को आया था। ठीक है, और उसके एक दिन ही बाद ही 7 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, जिसमें अपने देश के तरफ से सेना, एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ के जवान और डॉक्टर्स की टीम पहुंची, जिससे वहां पे फंसे लोगों का, दबे लोगों का निकाल कर उनका इलाज भी किया जा सके, उचित जो इलाज हो पाए। ठीक है, उसमें एक बच्ची मिली 80 घंटे के बाद। डॉग स्टॉक ने पता किया, डॉग जो स्टॉक होते हैं, डॉग एक्सपर्ट जो होते हैं वो पता करते हैं। ठीक है, जो 80 घंटे के बाद 2 बच्ची मिली जिसमें अंदर दबी हुई थी, लेकिन वो जीवित थी। ठीक है, ये भी एक अचंभा वाला बात है। ठीक है, उसमें देखिएगा, पूरे भूकंप में पूरा ये ऑपरेशन 10 दिन का चला था, 7 से शुरू हुआ और 10 दिन तक ऑपरेशन चलते रहा। हमारे जवान वहाँ 10 दिन तक जो है तैनात थे, वहाँ खोजबीन कर रहे थे। ठीक है, पूरे लोगों को खोजा जा रहा था। उसमें 44,000 लोग की मृत्यु हो गई। ठीक है, और 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, हमारा देश जो भारत है वो सिर्फ तुर्की और सीरिया को ही मदद नहीं किया है, अन्य देशों को भी करते चले आ रहा है। ठीक है, जिसमें देखेंगे तो ऑपरेशन कैस्टर चला, वो मालदीव देश के लिए चला था। ऑपरेशन रेनबो चला, जो कि श्रीलंका के मदद में हुआ। और ऑपरेशन मैत्री चला, जो कि नेपाल के लिए हुआ था। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।